सुभाष कौन सा वाला सही रहेगा? सुस करो ना। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कुछ लोग दोस्तों कमेंट कर रहे थे मैं अपना फास्ट पेमेंट का जो है पार्टी क्यों नहीं दिया अपने दोस्तों को। एक्चुअली दोस्तों बात वो नहीं है, तो मैं मानता हूँ दोस्तों कि हमारे जीवन में सबसे पहले जो है हमारे मॉम डैड आना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमें जन्म देते हैं ना। मम्मी जो होता है वो जब से मतलब कि उसका गोद में रखते हैं हमें, उसके बाद जो है हमें एकदम छोटे से बड़ा करते हैं, बहुत चाल लगता है। तो काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग मतलब कि मैं जवान हो पाया हूँ काफ़ी सालों के बाद। तो इतना जो है मेहनत किया है मम्मी डैडी ने, तो मैं भी मेरा पहला जो है इनकम जो आया मेरा यूट्यूब से, यूट्यूब की तरफ से, वो भी आप लोगों ने सपोर्ट किया है ना, इसके वजह से आप आया। तो उसी से मतलब कि मैं कुछ देना चाहता हूँ मेरी मम्मी दादी को, इसलिए जो है मैंने अभी तक एक रुपया भी कॉस्ट नहीं किया दोस्तों, ना ही मैंने कुछ खाया अभी तक। तो सबसे पहले जो है मैं पापा और मम्मी को जो है कुछ देना चाहता था, और जो भी बचेगा पहला सैलरी का एक फोन ले लूँगा, उसके बाद जो है अपने दोस्तों के लिए एक छोटा सा पार्टी रखूँगा। तो उसके लिए आप लोग चिंता ना करें, मैं ज़रूर दे दूँगा, या तो शायद सेकेंड पेमेंट तक आ जाए दोस्तों, फिर मैं पार्टी तो दे दूँगा। लेकिन सो गाइस बस यही कहना था। देखिए दोस्तों अंगती का फूलों के बगीचे बहुत से रंग बिरंगे फूलें खिले हैं दोस्तों, मेरी गोल वाओ बिल्कुल पीले कलर का ना, काफ़ी सुंदर है। इसका खुशबू भी अच्छा है दोस्तों, ये देख सकते हैं बिगड़ गया मेरा काम, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया। एक्चुअली मैं धुला के जो पूरा धूप में दे दिया और पता नहीं कैसे गिर गया नीचे में, उसको फिर से धुलाना होगा, कल सुबह होती है, अभी धुलाने से सूखेगा नहीं, इसलिए कल सुबह तक और इसको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे रहने देते हैं इसको, पूरा गंदा हो गया फिर से। सो गाइस अभी निकल पड़े हैं सुभाष और मैं मार्केट में मेरे मॉम डैड के लिए गिफ्ट लाने के लिए। सो गाइस आप लोग तैयार हो जाए मेरे मेरे मॉम डैड से मिलने के लिए। तो काफ़ी दिन हो गया दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे मेरी फैमिली से मिलने के लिए, और इस बार से है सिर्फ मॉम डैड से मिलवाऊँगा दोस्तों, एंड घर का तौर जो है बाद में लाऊँगा जब सभी लोग जो है हमारे परिवार एकता हो जाएंगे घर पे, और तभी मैं आप सभी को दिखाऊँगा वो अपना घर और सभी परिवार को। इस बार सिर्फ मॉम एंड डैड को देखिए ना। सुभाष कौन सा वाला सही रहेगा? सुस करो ना। पता नहीं पापा को पसंद आएगा कि नहीं। सब एक क्वालिटी पापा के लिए लंगी। ये दीजिएगा, कितना है प्राइस? 1500 कम नहीं होगा? एक लुंगी का दाम 1500 है दोस्तों, तो दीदी ने जो है 100 रुपया कम किया एंड 1400 होगा, पैक कर दीजिएगा ना। और इतनी सिलाई है, पैक कर लीजिएगा।
सो गाइस पापा के लिए जो है ये लंगी ले दिया और मम्मी के लिए चाहिए था, वो भी जो है पेमेंट करना है इसका, तो पेमेंट कर लेते हैं, इसके बाद जाएंगे और मम्मी के लिए कुछ ले लेंगे। दोस्तों अभी जो है मम्मी के लिए एक स्वेटर चाहिए, एक्चुअली विंटर सीजन भी आ चुका है, तो मम्मी के लिए मैं सोच रहा था कि उसको जो है एक मैं स्वेटर गिफ्ट दूँ। चलिए सुबह अंकल मॉम के लिए एक स्वेटर लेने आया दोस्तों, पर यहाँ पे जो दुकानदार भी नहीं है और उसको जो है यहाँ पे रुकना पड़ेगा और पता नहीं कहाँ गए होंगे। सो गाइस फाइनली अंकल भी आ चुका है, तो यहाँ से मंगवाया मैंने और देखता हूँ माँ के लिए एक सिलेक्ट कर देता हूँ। सो गाइस जंपर ही मतलब अच्छा रहेगा ना, जंपर मतलब कि ठंडा में बचने के लिए तो ये बेहतर रहेगा। ये तो स्वेटर है एक्चुअली, तो जंपर लेने से ठीक होगा, विंटर सीजन भी आ चुका है। ये तो हाफ है, ये भी हाफ है, सब हाफ ही हाफ आ रहे हैं दोस्तों। टोपी वाला ढकने से भी तो ठंडा से बात चेकता है, इसलिए जो है जंपर में लेके जाऊंगा, बाद में फिर से ऐसा स्वेटर कर ही दे दूंगा मॉम के लिए, तो फिलहाल जो है अभी जंपर लेके जाऊंगा। सो गाइस जंपर तो नहीं मिला, पर इसको जो है लेना ही पड़ेगा, और दूसरा बंद है दुकान, फिलहाल ये खुला है दुकान, तो यहाँ से लेना ही पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम ही और दूसरा वाला ले लेंगे मॉम के लिए, तो फिलहाल इसको सिलेक्ट करते हैं। सो गाइस मॉम दैट के लिए जो भी लेना था ले चुके हैं, अभी चलते हैं घर पे, चलिए बस। स्कूटी में पेट्रोल कम हो गया दोस्तों, तो पेट्रोल डाल के जो है डायरेक्ट सीधा घर जाएंगे, पहले पेट्रोल भरा लेते हैं। सो गाइस आज जो है मॉम डैड के लिए मैंने शॉपिंग किया, बस ज़्यादा नहीं, दो ही सामान ले लिया, पर ज़्यादा पैसे भी नहीं लगा शॉपिंग के लिए। एंड सुभाष को अभी तक मैंने कुछ खिलाया नहीं, तो वहाँ पे जाके दुकान में जाके मैं ज़रूर कुछ खिलाऊंगा। क्या खाओगे बताओ? जो भी हो समय से, ठीक है समोसे नहीं तो अंडा सब जरूर खिलाऊंगा अभी जाके। ना सुभाष होगा। तो गाइस अभी रात हो चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सुभाष भाई भी, तो थैंक यू सुभाष मेरे साथ देने के लिए। सो गाइस आज तो मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि रात हो चुका है, तो कल सुबह होते ही दे दूंगा मैं। एंड गाइस आप लोग पूरा जो है कल मेरे मॉम डैड से मिलने वाले हो आप लोग। एंड आइए सुभाष। सो गाइस फिलहाल मैं अपना डिनर बना लेता हूँ, तो मिलते हैं डिनर के बाद। तो ये रहा दोस्तों आज का डिनर में मछली, एक्चुअली ये आंटी ने दिया है एस्टीम किया वाला, जब मैं साग बना रहा था तभी आंटी ने दे के गए थे, और ये देख सकते हैं मछली। एंड सो गाइस मैं डिनर करता हूँ, मिलते हैं डिनर के बाद। सो गाइस मेरा डिनर भी हो चुका है, एंड आज जो है मैंने जो है ज़रा कुछ सामान तो ले नहीं पाए थे मॉम डैड के लिए, एंड जितने भी कॉपरेट लास्ट जो है एक ही दुकान बसा था, वहाँ से जो है मजबूर लेना पड़ा, तो बाद में जो है फिर से मैं नेक्स्ट टाइम में जरूर माँ के लिए कुछ और खरीद दूंगा। सो गाइस कल आप लोग रेडी हो जाए मेरे मॉम डैड का रिएक्शन देखने के लिए, तो काफ़ी मज़ा आएगा। पहली बार मॉम डैड जो है मेरे वीडियो पे आ रहा है, तो आप लोग उसका उन लोगों का रिएक्शन देखिए। एक्चुअली मम्मी को जो है हिंदी नहीं आती है, तो आप लोग उसके लिए समझ आता है दोस्तों, शायद वो हिंदी बोल नहीं पाएगी, अभी से मतलब कि मैं माफ़ी चाहता हूँ।
तो आप लोग कल थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा मॉम से, एंड मतलब कि उसका जो कैसे बोलती है या मतलब कैसे बोल पाती है, तो आप लोग उसका थोड़ा सा वो कीजिए। शायद हिंदी तो बहुत ही कम बोल पाती है माँ, तो उससे कोई लेना देना नहीं। पापा तो थोड़ी बहुत बोलता है हिंदी, तो कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग बस रिएक्शन के लिए तैयार हो जाए। कल का वीडियो मिस मत करना। एंड दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा और क्या कमी रह गई थी वीडियो पर, तो आप लोग उसका भी कमेंट कर देना। एंड वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।